दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल, आपका आईक्यू टेक्निकल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क भारत में 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है, और ऐसे में हमें अपने घर में रहना है और सुरक्षित रहना है, और इसके लिए पुलिस, सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर्स बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमें उनकी मेहनत को फिजूल नहीं जाने देना है, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते घर में बैठे बैठे जो काम पर जाने वाले पुरुष हैं, बच्चे जो बाहर खेलते बोर हो रहे हैं, और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो हमें बोर होने से बचने में एक हद तक के मदद करता है और हमारा टाइम पास हो जाता है। और इसीलिए तरह तरह के ऑफर्स हमें इंटरनेट पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे टेलीकॉम ऑफर दे रहा है डेटा की, वो उसका चार्ज ले रहे हैं, लेकिन उस चार्ज में सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, ताकि ताकि हमारा वक्त गुजरे। और मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो एक मोबाइल गेम है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस गेम का नाम है मॉन्यूमेंट वैली 2। ये मोबाइल गेम पहले प्ले स्टोर पर 400 रुपीज़ में लिस्ट किया गया था, और अब इसे डेवलपर ने फ्री कर दिया है, बिल्कुल फ्री। मज़े की बात यह है कि इसका पुराना जो वर्जन है मॉन्यूमेंट वैली, वह अब भी प्ले स्टोर पर 260 रुपीज़ में अवेलेबल है, लेकिन नया वर्जन मॉन्यूमेंट वैली 2 जो 2017 में लॉन्च हुआ और जिसका कॉस्ट 400 रुपीज़ था, वह अब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। अब आप इस गेम को प्ले स्टोर से बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी इसे डाउनलोड किया और देखा कि यह गेम कैसा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये, पहेली बुझाओ पजल गेम जैसा है। ये एक माइंड गेम है। इसके खेलने से हमारी ब्रेन एक्टिविटी होगी और हमारा साथ साथ टाइम पास भी होगा। आप इस गेम की ये झलक भी देख लो, आपको भी ये गेम पसंद आएगा। इस महामारी के चलते आप अपने घर में रहें, अपने बच्चों को भी घर में सेफ रखें, और जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे राशन वगैरह लाना है, तो मास्क पहनकर घर से निकलें। और जब भी घर में हो तो दूसरी एक्टिविटी के साथ ये गेम भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको ये गेम बोर होने नहीं देगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।